चलिए दोस्तों, थोड़ा फोटो शूट भी हो चुका है यहाँ पे और काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। तो अभी मैं आ चुका हूँ परेड ग्राउंड वाली साइड को, तो यहीं पर पड़ता है परेड ग्राउंड, तो ये यहाँ आ गए। इसके साथ अभी बंद और मज़े ले रहे हैं हम भी, और आजकल यही सीन चल रहा है भाई अपने। जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को कोई मतलब क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बनाऊंगा, तो तब तक के लिए आप क्वेश्चन को आंसर हम देंगे। एसी लगी हुई होती है और लाइटें लगी हुई होती है, जब कभी आप मतलब लिफ्ट में फंस चुके हो। नाम आप सभी को कैसे हैं, आप लोग आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम रोहित नेगी, मैं हूँ आपके अपने उत्तराखंड के एक छोटे से गांव, मेरे गांव का नाम है पेड़ी, जहाँ से कि मैं आप सभी लोगों के लिए ब्लॉग बनाता था। तो फिलहाल मैं पहले भी बता दिया था, तो चलिए इस बात को लगते हैं छोड़ते हैं पीछे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है मेरी 9 बजे से, तो अभी अपन उठ रहा था तो ऐसे ही कुछ। तो अभी का सीन कुछ इस प्रकार से है कि अभी मैं आ रहा हूँ एक शांत वातावरण वाली जगह पे, तो सुबह सुबह अपना होता है क्या वर्कआउट का टाइम, तो बाहर थोड़ी हल्की हल्की धूप लगी हुई है हालांकि। तो अभी थोड़ा वर्कआउट करते हैं, जो कि मैं मतलब हमेशा करता हूँ, करता रहता हूँ, तो करना भी चाहिए, हमेशा पट्टी करना चाहिए। तो चलिए अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और क्या क्या करता हूँ, और फिटनेस बहुत ज़रूरी है दोस्त। तो घर बैठे बैठे अपना मतलब फिट रहने, फिटनेस बनानी है, तो मसल्स बनाने, बॉडीज बनानी है, और फिट रहना बहुत ज़रूरी है यार, तो अच्छा भी लगता शरीर, और ऐसे है कि कहीं ट्रैवल करने में कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए पहले मैं बता रहा हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या करता हूँ और आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ था, पहले रनिंग बहुत ज़रूरी है, वो तो मैं सुबह करके आ गया था, तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई। सुबह सुबह का मौसम होता है ना, तो काफ़ी होता है। तो चलिए दोस्तों, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, बेसिक सी चीज़ें हैं जो जो कि हर इंसान करता होगा नॉर्मली अपने हिसाब से, पर जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, वो चीज़ें बेसिक होती है ये। और अभी आपके पास 2 मिनट तो होगा ही यार घर में, तो जिनके पास मतलब जिम जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है वो लोग कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं है। तो अभी हम फिर से करेंगे पुशअप्स करेंगे, वही 3 चीज़ें करेंगे, तो ये नॉर्मल एक्सरसाइजें हैं। तो जो और बेहतर एक्सरसाइजें होती है वो मैं आप लोगों को और बताऊंगा बाद में। तो ये अगर आप लोगों को पसंद आ गया, अगर इसमें व्यूज़ अच्छे आ गए, तो इसी से रिलेटेड वीडियो भी बन सकती है। दोस्तों अभी दिन के 10:30-11:30 बजने वाले हैं, और अभी सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो बाहर ऐसे ही होता है यार, मतलब गांव में तो भूख लग जाती है काम करते करते, तो शहर में ऐसे ही होता है। तो अभी मैंने खाना भी नहीं खाया और नाश्ता नहीं किया वैसे, तो अभी चलते फटाफट से नाश्ते करने चलते, दिखाते आप लोगों को आगे। मैं चलता हूँ नाश्ता करने के लिए सुबह का, तो क्योंकि सुबह से मन नहीं किया खाना खाने का, तो अभी चल रहा हूँ मैं सुबह, दिन की 11 बजने वाले हैं, तो अभी चलते हैं फटाफट से, दिखाते हैं आप लोगों को क्या होता है आगे। फाइनली खाना खा के आ चुका हूँ और काफ़ी थक भी गया हूँ, और अभी आराम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको, बाद में मिलेंगे, दिखते हैं। तो आजकल यही सीन है इधर का, और धूप भी। तो चलिए दोस्तों, अभी फाइनली दोपहर के 3 बज चुके हैं, और अभी मैं सो के उठ चुका हूँ, तो अभी का मौसम कुछ
इस प्रकार से यहाँ का हो रखा है। और चले यार तो चलिए ऊपर ले जाता हूँ आप लोगों को सीधे ऊपर लिफ्ट ऊपर वाली मंजिल से दिख तो ऊपर वाली मंजिल से दिखाता हूँ हम लोगों को यहाँ का जो व्यू है किस प्रकार का है तगड़ा वाला। तो चलते अभी हम सिम मैं अभी आ चुका हूँ लिफ्ट के अंदर और यहाँ से मेरे को जाना है कितने 7th फ्लोर पे। तो यहाँ ओनली 7th फ्लोर तक है और ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो चल भाई बंद हो जाओ सिम। तो ये है यहाँ का सीन। तो मुझे जाना है 7th फ्लोर पे और यहाँ फुल एसी लगी हुई होती है और लाइटें लगी हुई होती है। जब कभी आप मतलब लिफ्ट में फंस चुके होगी ना तो इस वाले बटन को दबाओ पूरा हॉर्न बन जाएगा हॉर्न बन मतलब बच जाएगा। यहाँ आया था आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए तो काफ़ी तगड़ा वाला दिख रहा होगा मुझे लग रहा है अभी हाँ क्योंकि धूप भी लगी हुई है सनसेट का व्यू आई हाय। हवा भी चल रही है काफ़ी ज़बरदस्त वाली तो मेरे को यहाँ का नाम नहीं पता था उससे पहले मैं पहले आया था यहाँ। तो ये पड़ता है क्या ये कहाँ पड़ता है ये है परेड ग्राउंड वाली साइड को कोई सड़क आती है तो ये कोई देहरादून आ जाए लग जाता है क्योंकि यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और आज बारिश भी है नहीं तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है इधर ये इधर। तो ये है भाई तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया और अभी करने वाला हूँ मैं कुछ दिन बाद क्या क्यों नो मतलब क्वेश्चन आंसर ब्लॉग और इसमें आपको लोग क्वेश्चन करेंगे और हम आंसर देंगे क्योंकि कई लोगों की यह डिमांड थी मेरे भाई लोगों की। तो अभी का सीन कुछ इस प्रकार से है तो जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को मतलब क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बनाऊंगा। तो तब तक के लिए आप क्वेश्चन करो आंसर हम देंगे उसके बाद देंगे जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। और आज मेरे एक वीडियोस पे क्रीम पाउडर पे तो उसमें 100K कंप्लीट हो गए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और तह दिल से स्वागत करता हूँ मैं अपने ब्लॉग में आप सभी का। तो आई होप कि आप सभी लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। तो आजकल क्या हो रहा है ना इधर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है यार तो वो नहीं बना पाता हूँ। जब मैं एक बार सेट हो जाऊँगा ना सही तरह से तब आप लोगों के लिए प्रॉपर ब्लॉग्स आएंगे। तो आप सपोर्ट यूँ ही बनाते रहें और हंसते रहें मुस्कुराते रहें। तो वीडियो को यूँ देखते हैं अभी चलते हैं नीचे और अभी फाइनल मैं आ चुका हूँ चाय वाली चाय पीने के लिए और यहाँ पर आजकल मेरे को चाय की लत लगी हुई है। तो वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ कभी तो वो आजकल दोस्तों ने सिखा दिया है और पता नहीं क्या क्या सिखाएंगे क्या क्या पीना सिखाएंगे। तो अभी चाय चुभी बन रही है लत और हम पीते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को आगे का सीन क्या। आज अभी बंद और मज़े ले रहे हैं हम भी आजकल यही सीन चल रहा है भाई अपने यहाँ तो कभी चाय यहाँ तो चाय की लत लग गई है और हमेशा आता हूँ मैं अब यहाँ 3-4 बजे
पहले पहले मैंने ना चाय पीनी स्टार्ट की थी ना, तो फर्स्ट में मेरी जीभ के ऊपर वाली साइड को इतना भयंकर दर्द हो रहा था ना, खतरनाक वाली यार। कुछ भी खाना खाया था ना, नहीं खाया जा रहा था। तो अभी तो फिलहाल आजकल थोड़ा सीख गया हूँ चार दिन है, तो अब सही है। तो दिखा दे आप लोगों को, शाम को मिलाने कहीं घुमाने ले जाता हूँ, घूमने चलते हैं, कहाँ चलते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए दोस्तों, अभी फाइनली मेरी तैयारी हो चुकी है मार्केट जाने की, और चूँकि मैं हमेशा जाता हूँ तो दिखाता हूँ आप लोगों को मार्केट का व्यू किस प्रकार का हो रहा है। कैमरा काफ़ी हिल रहा है। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं ना, 6:30 हो चुका है टाइम। तो मैं हूँ अभी मॉल के बाहर, पता नहीं कौन सा वाला मॉल है। तो दिखा दे आप लोगों को, खाना भी पैक करना है कमरे में जाने के लिए, इसके बाद थोड़ा घूमते हैं। घूमते तो अभी मैं आ चुका हूँ परेड ग्राउंड वाली साइड को, तो यहीं पर पड़ता है परेड ग्राउंड। तो ये यहाँ आके ना एकदम सुकून सा मिल जाता है। तो ये सीन है अभी यहाँ का, थोड़ा अंदर दिखाता हूँ उसके बाद चलते हैं यार, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो ये सीन है। तो मैंने उस दिन कहा था आप लोगों से कि मेरे को यहाँ का नाम बिल्कुल पता नहीं है, तो यहाँ का नाम है परेड ग्राउंड वाली साइड है ये। तो ग्राउंड ये पूरा ग्राउंड ही है उधर उधर तक सामने तक। तो अभी खेल से इधर थोड़ा, चलिए दोस्तों थोड़ा फोटो शूट भी हो चुका है यहाँ पे, और काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को, भाई लोग मिल चुके थे फोटो खींचने के लिए। तो अभी इधर खेलने वाली जगह है, थोड़ा यहाँ दिखाता हूँ और अभी आपको पता नहीं कौन सा वाला झूला है, ये वाले झूला मैं पहली बार देख रहा हूँ आज। तो काफ़ी इंजॉय ले रहे बच्चे इसको, तो जो भी है टाइम 7 बजे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, अभी चलते हैं घर की ओर चलते हैं। तो दूसरा वाला ग्राउंड मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा, आज मैं इधर ही से निकल रहा हूँ। तो अभी का सीन इस प्रकार से कुछ, और देखते हैं आगे का सीन क्या होता है। ये है परेड ग्राउंड वाली साइड, यहाँ पर मतलब होता होगा यार कुछ मिलिट्री वाला मतलब। तो उधर उधर वाली साइड ना दौड़ने का है, इधर खाली घूमने का है। तो उधर दौड़ने वाली जो हमें कल दिखाऊंगा आप लोगों को। अरे दोस्तों फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं होटल पर, और खाना खाने के लिए फूड थैंक यू आपका। तो कभी कभी यहाँ टिप्स भी मिल जाती है मेरे को, खाना पीना भी पैक हो चुका है, और अभी मेरी तैयारी है जाने की, कहाँ जाने की ये नहीं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर आपको आप कर सकते हो, मैंने आपको बोला था जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और मैं आपको क्या करूँगा आंसर दूँगा, क्वेश्चन आंसर दूँगा। तो ये वीडियो मैं उसमें भी डालूँगा, किस में डालूँगा इंस्टाग्राम पर भी डालूँगा। तो इंस्टाग्राम है मेरा रोहित नेगी के नाम से, जो मेरे को जानते नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं, और आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।